हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी बिल्कुल स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो इसका रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया, जिसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 200 ग्राम करीब पनीर है, तो इसको अच्छी तरह से मिला करके हम लोग तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसको इस तरह से तल लेना है अच्छी तरह से। इसे तलने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो देखिए, तला चुका हम लोग निकाल के इसको एक पानी के बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। तो साथ ही मशरूम मैंने ले लिया है, जो कि 200 ग्राम है। इसको मेरे हस्बैंड ने इसको हल्दी वाले पानी में बॉईल कर लिया अच्छी तरह से साफ़ करके। इसको भी अच्छी तरह से हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, देखिए फ्राई हो चुका है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो साथ में मैं मसाला दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या पीसा है। तो यहाँ पे जीरा, गुलकी, लहसुन, अदरक, मिर्चा, पोस्तों, मगज और काजू है। एक क्वांटिटी देख सकते हैं, सारे को हम लोग पीस लेंगे। साथ में एक कढ़ाई में मैंने 2 तेज़पत्ता और 2 मिर्च और साथ में बड़ा सा प्याज को मेरे हस्बैंड ने चॉप कर लिया है, उसको डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से भूंजेंगे। जब भूंजा जाएगा, उसके बाद जो मैंने मसाला दिखाया था वो मसाला का सारा पेस्ट हमने इसमें डाल देंगे। और साथ में 2 टमाटर को भी पीस लिया गया है, जो कि उसमें भी डाल दिया गया है। टमाटर को पीसने बस सिंपल सा पीस लिया गया, उसको बॉईल करके नहीं पीसा गया है। डाल करके भूंजेंगे। साथ में सूखे मसाले में बता देती हूँ उसमें क्या क्या डला रहा है। यहाँ पे हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा मीट मसाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है, धनिया पाउडर है। ये सारा चीज़ डाल करके थोड़ा सा पानी मेरे हस्बैंड ने पानी डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे। जब मसाला थोड़ी देर भूंज लेंगे, इसके बाद साथ ही हम लोग कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। जब मसाला अच्छी तरह से भूंजा जाएगा तो मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए, जब मसाला भुंजा जाए उसके बाद हम लोग फ्राई किया हुआ मशरूम और ये पनीर सारा डाल देंगे और उसको थोड़ी देर भूंजेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला में उसका मशरूम में टेस्ट आ जाए। उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नमक डाल देंगे। उसके बाद फिर अच्छी तरह से भूंज करके, जब अच्छी तरह से भूंजा जाएगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तब तक देखिए। तो देखिए, जब मसाला भूंजा गया है उसके बाद हम लोग ने पानी डाल दिया है। तो पानी आपको जैसे ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार डालना है। तो ये चलिए पानी डला चुका है। अब इसमें लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे इसके टेस्ट के लिए। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के फिर मिला देते हैं और थोड़ी देर ढक के हम लोग पका लेते हैं। ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना, बस थोड़ी देर। तो देखिए, बॉयल हो चुका है, बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम लोग धनिया पत्ता डाल के सर्व कर लेंगे। रोटी, पराठा, नान, पुलाव, जीरा फ्राई राइस, सब कुछ जिसके साथ खाने का मन करे उसके साथ खाइए, एंजॉय करिए। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।